है, जंगल राज है, परिभाषा मुख्यमंत्री ने बदल दी है, वो परिभाषा जनता राज का। मुझे आश्चर्य होता है, अगर ये जनता का राज है तो जंगल राज किसे कहते हैं? अगर क्या आपको डर लग रहा है कि जंगल राज कहेंगे तो तेजस्वी जी आपको गद्दी से उतार देंगे? नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। बेगूसराय में नेशनल हाईवे पर एक अपराधी, बाइक सवार अपराधी तरातर गोली चलाते हुए कई लोगों को गोली मारते हुए लगातार 40 मिनट तक ये गोली चलाता रहा। इसमें 11 लोगों को गोली लगी, एक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें से 10 लोग गंभीर रूप से घायल है। लेकिन अब इस पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। बेगूसराय के सांसद है गिरिराज सिंह ने सीधा तौर पर कहा है कि ये जंगल राज से भी बढ़ करके अपराध होने लगा है। नीतीश कुमार इसको जनता राज कहते हैं, इसलिए जनता राज कह रहे हैं क्योंकि उनको तेजस्वी यादव से डर लग रहा है। अगर जंगल राज नीतीश कुमार कहेंगे तो उनको तेजस्वी यादव गद्दी से हटा देंगे। नैतिकता दिखाएं और सामने आकर के बयान दें और सफाई दें कि क्यों ऐसी घटना हो रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह। ये घटना बेगूसराय की घटना बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुख तब होता है जब प्रधान मुख्यमंत्री जी माइक थोड़ा नीचे करना लो सब लोग। मुख्यमंत्री जी बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबूल तो आम कहाँ से हो। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। अभी मुश्किल से कुछ घंटे पहले, दो तीन दिन पहले उनके नाक के नीचे पटना में पिरबहौर थाने में जिस ढंग से, अब मैं शब्द को क्या प्रयोग करूं, उनके अधिक पुलिस अधिकारियों को थाने में घुस करके व्यवहार किया, मारा पीटा, अपराधियों को छोड़ाया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जंगल राज नहीं जनता दरबार है। अगर परिभाषा बदल दिए हैं क्या उनको डर लग रहा है कि जंगल राज को स्वीकारें? समीक्षा आपने की, क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के तीन पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में मेरे याद में तो नहीं हुई है। ये एक घटना हुई थी जिसको आपने भी नज़रअंदाज कर दी। 2013 में इसी पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की गई थी जिसमें सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसको भी उस समय आपने नकारा। अगर पत्रकार और अन्य लोगों के कारण रेलवे स्टेशन पर वो नहीं पकड़ा गया होता तो आप उसका भी लिपापोती करते। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप सामने आए और एसपी का बयान नहीं, आपका बयान चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आखिर जब बेखौफ अपराधी हो जाए तब कोई भी घटना होगी, 40 मिनट तक अपराध करते रहे मेन नेशनल हाईवे पर, चार चार थानों से गुजरता रहे और आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी लचर पचर है कि कहीं ट्रेस नहीं मिल रहा है। और एक महागठबंधन के नेता किसी चैनल पर कह रहे थे घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये बड़ी साजिश है। यही मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ कि जब अपराधियों की सरकार होगी, अपराधियों से आप घिरे होंगे, आपके मंत्री उनको संरक्षण देते रहेंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो बेगूसराय की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, पिरबहौर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हर दिन हर समय होते रहे। 15 घंटे हो गए,
हम इशारा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो मैं जा रहा हूं बेगूसराय, और बेगूसराय जा करके लोगों ने कॉल दिया है, भारतीय जनता पार्टी और वहां के लोगों ने बंद का, मैं कहूंगा शांतिपूर्ण बंद का समर्थन करें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे समाज में कोई और नुकसान हो। अपराधी कब तक है? जंगल राज है, परिभाषा मुख्यमंत्री ने बदल दी है, वो परिभाषा जनता राज का। मुझे आश्चर्य होता है, अगर ये जनता का राज है तो जंगल राज किसे कहते हैं? अगर क्या आपको डर लग रहा है कि जंगल राज कहेंगे तो तेजस्वी जी आपको गद्दी से उतार देंगे? आपने 17 साल राज किया है, आप नैतिकता दिखाएं और अपने सामने आकर के अपराधियों पर नकेल कसें। जो स्थिति हो गया है बिहार में, गुंडा राज, जंगल राज, जो शब्द का प्रयोग करें, रोपे बबुल तो आम कहाँ से हो। आप सत्ता के लिए, आप महत्वाकांक्षा के लिए आपने जो कदम उठाया, कभी आपने सोचा कि क्यों कदम उठाए? तो सुना आपने गिरिराज सिंह को, जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमने बेगूसराय बंद का आह्वान किया है और सभी से अपील करेंगे कि शांतिपूर्ण बंद रखें और जितनी जल्द हो सके अपराधी पर सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि ये जो घटना है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्योंकि 40 मिनट तक गोली लगातार दो अपराधी चलाता रहा और बाइक से जिसको चाहा उसको गोली मारा, जो भी रास्ते में आया बेकसूर हो सभी को गोली मारा। तो किसी के टांग में गोली लगी, किसी के हाथ में लगी, जितने भी लोग थे सब ने यही बात कहा कि ये अपराधी जो है जो रास्ते में आ रहा था सभी को गोली मारते जा रहे थे। तो इस घटना से जो है बिहार में पूरी तरीके से राजनीति छिर गई है, बीजेपी लगातार सरकार पर हमला कर रही है, वहीं सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये जो घटना है वो काफ़ी निंदनीय है। बीजेपी जो है लगातार इसको टारगेट कर रही है, जेडीयू को, आरजेडी को, कि सरकार जो है पूरी तरीके से जंगल राज में घिर गई है, ये जनता की राज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन जनता की राज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको आरजेडी से डर लगता है। तो अब देखना होगा इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है जेडीयू और आरजेडी की तरफ से। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।